हालेलुया अगर लाइव हो चुका है तो जस्ट आपके कमेंट्स मुझे नजर आने चाहिए अभी आई थिंक लाइव स्टार्ट हो चुका है अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना करते खुदाबा तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे खुदाबाद जितने लोग अभी लाइव को देखें खुदावंद तेरी उपस्थिति को महसूस करें तेरे पाक कलाम को अपने हृदय में स्वीकार करें खुदावंद और अजीब और अचंभी रीति के साथ ब्लेस्ड किए जाएं और इस्तेमाल किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन गॉड ब्लेस यू ऑल अब आपके कमेंट्स आई थिंक मैं थोड़े बहुत पढ़ पा रहा हूं ओके okay. खुदाबंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका ये लाइव करने का जो मकसद है आपको इनवाइट करना आज शाम की मीटिंग के लिए जिस तरह आपने देखा लास्ट जो दो मीटिंग्स थी थर्सडे और संडे जब खुदाबंद ने अपनी स्पिरिट से अपनी आत्मा से अपनी आग से लोगों को भरा और अब टाइम है आज इवनिंग तो आज सुबह था आई थिंक बारिश थी तो मीटिंग चर्च के अंदर आपको मालूम होना चाहिए जो चर्च का जो मेन हॉल है वो तैयार है बिल्कुल रेडी है उसका जस्ट अभी इंटीरियर वर्क चलता है अभी तो अगर बारिश की नौबत आती है तो अंदर मीटिंग पच्चीस हजार लोगों के लिए हो सकती है तो आई थिंक आज शायद अंदर मीटिंग हो अगर बारिश नहीं हुई तो बाहर होगी तो जो परमेश्वर अभी आपकी लाइफ में करना चाहता है जो परमेश्वर का आत्मा पास्टर्स uh, की लाइफ में करना चाहता है याद रखो अगर आप uh, सेवक हैं आप आप एक बिलीवर हैं आप एक आप एक विश्वासी हैं तो बिना परमेश्वर की प्रेजेंस और उसकी पावर के ना तो आपकी सेवकाई में कोई रिजल्ट है और ना ही आपके पर्सनल लाइफ में कोई रिजल्ट है और दुनिया आपको रिजल्ट से जानती है बाइबल कहती है कि हन्ना और पनीन्ना दो औरतें थी उस हस्बैंड को जब उसके नाम को लिखा गया तो हन्ना बड़ी होने के बावजूद भी उसका नाम सेकंड नंबर पर लिखा क्योंकि बाइबल कहती है उसे कोई भी संतान नहीं थी तो जब रिजल्ट लाइफ में नहीं होता तो आपका नाम वहां लिखा जाता है जहां नहीं लिखा जाना चाहिए तो आज की मीटिंग भी उसी चीज के लिए है कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरे आपको अभिषेक से भरे और आपको वो ग्रेस दे कि आप अपनी लाइफ में अपनी मिनिस्ट्री में अपने फाइनेंस में अपनी पर्सनल लाइफ में आप रिजल्ट को लेके आ सकें तो गॉड ब्लेस यू ऑल आज शाम को खुदाबंद की प्रेजेंस में मिलते हैं मैं जलंधर से थोड़ा बाहर था कुछ काम करने के लिए ऑफिशियली तब तो मैं आपको शाम को खुदाबंद की प्रेजेंस में मिलता हूँ और आप सेम नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में तो जो पास्टर्स हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आपके रह, आपके बैठने का आज अलग स्थान है चर्च में जहाँ पर आपसे आपके पास मैं आकर आपके लिए प्रार्थना कर पाऊंगा और उनके रहने का लोगों के खाने का हमेशा प्रबंध होता है फ्री कमरा चर्च में कोई रहने का पैसा नहीं है खाने का नहीं प्रेयर करवाने का नहीं है ले हैंड का नहीं तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि आपको कहीं भी किसी जाल में नहीं फंसना है गॉड ब्लेस यू ऑल आज शाम को खुदाबंद की प्रेजेंस में मिलते हैं और मेरा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं जाएंगे खुदावंत की प्रेजेंस से और उसके मसे से भरने के लिए आप तैयार हो जाओ प्रभु भोज है आज ऑनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन भी है डबल लगातार खुदावंत ने ओनॉंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है तो मैं एक्साइटेड हूं आज शाम की मीटिंग के लिए और मेरा बिलीव है कि आपकी मिनिस्ट्रीज आपकी लाइव्स आपके जो चीजें हैं आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई वो सेम नहीं होंगी तो जिस तरह हन्ना की लाइफ में खुदा बन ने रिजल्ट दिया वो आपकी लाइफ में भी रिजल्ट देगा तो मैं आपको मिलता हूं शाम को अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाओ खुदा बाप सारे रास्तों को साफ करे खुदा बाप अपने स्वर्गदूतों को भेजे खुदा बाप अपनी आग को भेजे वो सामर्थ्य रीति के साथ आपको ब्लेस करें वो तो आपके हृदयों को तैयार करे कि आप बरकतों को पा सके पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य प्रार्थना महोत्सव चल रहा है जहाँ हजारों हजारों लोग रोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रात की जो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स हैं उसमें रोज सत्तर से अस्सी देश रोज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं बहुत से माध्यम पर बहुत से टीवी के माध्यम से भी देखा जा रहा है और आने वाले समय में बहुत से बड़े काम है जो परमेश्वर करने जा रहा है आपको प्रेयर्स में याद रखना है अपने देश को अपनी सेवकाई को मुझे मेरे परिवार को जल्दी मिलते हैं शाम को खुदावंद की प्रेजेंस में गॉड ब्लेस यू ऑल खुदावंद आपसे प्यार करता है और वो अपने प्यार को आपकी लाइफ पर मैनिफेस्ट करेगा जब मीटिंग में आप आएंगे तो वो कांटेक्ट पॉइंट होगा कि खुदाबंद अपने प्यार को आपको दिखा सके लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोड़ी शुद्ध होंगे गॉड ब्लेस यू ऑल